जीरो। हम सब जितने भी आज यहाँ पे इस कंपनी के बदौलत अपने सपनों को जी रहे हैं, कहीं ना कहीं जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी हमने पैसा लगाया नहीं था, हमने पैसे से क्या किया था, एक अपनी जरूरत पूरी की थी। समझ आया नहीं आया? तो ये पहला धंधा ऐसा है कि जहां पे किसी का कुछ लग नहीं रहा है मेरे दोस्त, यहां कंपनी लेती नहीं है, यहां कंपनी देती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए आने वाले 4 से 5 साल के बाद। क्या आपको जिस घर में आप रह रहे हो उसको बदलना चाहते हो? अगर हाँ तो आपको सेव करनी पड़ेगी, मजबूरी है। इसके अलावा कोई मार्केट में और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जहां पे आप 4 साल में घर बदल दो, 4 साल में गाड़ी बदल दो, 4 साल में बच्चों का स्कूल बदल दो, इवन मैं कहूँ, इनफैक्ट मैं कहूँ कि 4 साल में पूरी की पूरी तरह जिंदगी बदल दो, ऐसा मौका आपको मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें कहां मिलती है? सेम शॉप, जिसकी सालगिरह आज हम मना रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं पिछले 15 सालों से, बहुत सारे लोग जो कभी कुछ नहीं थे आज बहुत कुछ है, बहुत सारे अनपढ़ लोग जो कभी कुछ नहीं थे आज बहुत कुछ है, बहुत सारी महिलाएं जो कभी, मैं देख रहा हूं कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक जज्बे के साथ काम कर रही है। क्योंकि बिजनेस क्या मांगते हैं आपसे? ये कोई डिग्री नहीं मांगता, ये कोई डिप्लोमा नहीं मांगता, ये कोई आपसे पैसा नहीं मांगता, ये बिजनेस आपसे सिर्फ आपका पागलपन मांगता है, आपका जोश मांगता है, आपकी भूख मांगता है कि आपकी अपने सपनों के लिए कितनी भूख है, आपके अपने सपनों के लिए कितना पागलपन है। जिसके अंदर जितना ज्यादा पागलपन होगा, जिसकी अपने सपनों के प्रति भूख ज्यादा होगी, वही आदमी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। बाकी तो सिर्फ आएंगे, ताली बजाएंगे, 2-4 ठुमका लगाएंगे और निकल जाएंगे। तो आप कैसे होना चाहते हैं? आप अपने आप को आने वाले टाइम में कैसा देखना चाहते हो? कि ऐसा बोलो कि यार मैं भी वहां प्रोग्राम में गई थी, या मैं भी प्रोग्राम में गया था, मैं खूब नाचा। नाचने आए हैं क्या? हम तो नचवाने आए। समझ आया नहीं आ रहा? क्योंकि प्रोग्राम किसका है? हमारा है ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? प्रोग्राम हमारा है तो हमारे पास में डांस ग्रुप है। नाचा ना, नाचा या नहीं नाचा? तो भैया हम तो नचवाने आए हैं, हमारे जहां भी प्रोग्राम होते हैं हमारे सामने ऐसे डांस ग्रुप आते हैं, डांस करते हैं। तो मैं वही चाहता हूं कि मेरे दोस्त आज जो जिंदगी आपको नचा रही है, आपको कुछ ऐसा कदम उठाना है, आपको सिर्फ जो हाथ पकड़ कर चलना है कि जिंदगी को फिर आप अपने हिसाब से नचाओ। समझ आया नहीं आया? नचाओगे उसके लिए आपको लगन से, दृढ़ निश्चय के साथ अपने 4 से 5 साल इस कंपनी के साथ लगाने पड़ेंगे। तैयार हैं? पक्का? देखिए मेरे दोस्त, दिन बदलेंगे, साल भी बदलेंगे। अगले साल हम फिर मनाएंगे, अगले साल हम 2400 साल के ना मना रहे होंगे, उसका 2500 मनाएंगे, हम 5000 भी मनाएंगे, अभी उम्र है ना। फिर हमारे बच्चे पता चला 100वां मना रहे हैं, 500वां मना रहे हैं, हम तो मनाते जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपनी जब तक रहेगी हम रहेंगे, और जब तक हम रहेंगे तब तक कंपनी रहेगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम हैं तो कंपनी रहेगी, कंपनी है तो हम रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ हैं। समझ आ गया? हम चिपके हुए हैं, कंपनी हमसे जुड़ी है, हम कंपनी से जुड़े हैं, ना हम कहीं जाने वाले हैं, ना कंपनी हमको कहीं छोड़ के जा रही है। तो हमें तो पूरा यकीन है कि हम 2400 भी मनाएंगे, 500 भी मनाएंगे, 100 भी मनाएंगे, सारे मनाएंगे। अब आपको सोच रहे हैं क्या आप तब तक होंगे? होंगे या नहीं होंगे? तो अगर होना चाहते हो, मुझे पूरा यकीन है दोस्त कि जब आप 2400 सालगिरह मनाओगे ना, तो आप भी अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में आओगे। एक साल में ऑडी तो नहीं आएगी यार, बड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ एक साल के अंदर 4-5 लाख की गाड़ी तो आ ही जाती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो बस वो दृढ़ संकल्प के साथ आपको चलना है। ये कंपनी है मेरे दोस्त, ये कंपनी पता कैसी है? पारस के बारे में सुना है आपने? कहते हैं पारस जिसको छू ले वो सोना बन जाए। समझ आया नहीं? तो वही है ये कंपनी, जिसको छू ले वो हीरा बन जाए।
समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमको हीरा बनाया, बहुत सारे लोगों को हीरा बनाया, और मुझे पूरा यकीन है आप सब लोगों को भी हीरा बनाएगी। तो वक्त हमारे पास इतना ही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज इस इवेंट का हिस्सा हूँ, मैं आज इस सालगिरह को मना रहा हूँ। इतने अच्छे से तो मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया जितने अच्छे से हम आज इस कंपनी का मना रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज जानता हूँ कि जन्म तब अच्छा हुआ जब एक कंपनी आई। समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि जब तक ये कंपनी जीवन में नहीं थी, साला जिंदगी जिंदगी नहीं थी। जिंदगी क्या थी? जिंदगी तो उतना कट रही थी। जीना तो हमने तब शुरू किया जब ये कंपनी ने हमको छुआ। समझ आया? तो मुझे पूरा यकीन है कि अगला साल हम सबको एक साथ फिर से, शायद ये हॉल छोटा पड़ जाए, हम इससे बड़े हॉल में मनाएंगे। तैयार हो? तैयार हो? अगला साल और बेमिसाल होगा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब के सब अपनी कार में आ चुके होंगे। सही कह रहा हूँ? तैयार हो? तो यकीन किसपे? कई लोगों को लग ही कहाँ गाड़ी, 50 साल होने को आगे, सर कहाँ गाड़ी? अरे यकीन करिए मेरे दोस्त, ये कंपनी है, मैंने कहा ना, जिसको जुए उसे हीरा बना देती है। बस संकल्प के साथ काम करिए, संकल्प के साथ काम करिए। भूल जाइए दिन है, भूल जाइए रात है। मैं डांसर को देख रहा था, जो डांस वाला लड़का था ना, यहाँ डांस कर रहा था, साला गुस्से में जैकेट फेंक दिया। सही करो? और मुझे पूरा यकीन, आप गुस्से में ना गरीबी फेंक दोगे और अगले साल अमीर बनकर आओगे। सारा गरीबी का जो ये ओढ़ा हुआ है ना, इसको फेंकिए। गरीबी में मजा नहीं है मेरे दोस्त, मजा किसमें है? अमीरी में मजा है। समझ आया नहीं आया? अमीर बनिए यार, ये जीवन भगवान ने एक बार दिया, हमें नहीं पता अगला जन्म हम क्या बनेंगे, हमें नहीं पता। हम में से कोई कुत्ता बन रहा होगा, कोई गाय, कोई सुअर, कोई बैल बन के घूम रहा होगा, तो मुझे नहीं पता भाई उस जीवन में मजा है या नहीं है। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा मजा है कि नहीं? अगर ये मनुष्य जीवन भगवान ने आपको दिया है तो भगवान कहीं ना कहीं आपका अच्छा चाहता है, और अच्छा, और इसलिए आज इस बात पर मोहर लग जाती है क्योंकि आज आप इस इवेंट का हिस्सा बन गए हो, तो कहीं ना कहीं भगवान चाहता है कि आप भी भैया अमीर बन के मरो, गरीब बन के नहीं मरना है। सही है? तो कितने लोग हैं जो अमीरी के साथ इस दुनिया को विदा करेंगे? हम तो हैं, अब हम तो हो चुके। तैयार हैं? तो ऊपर से अपने आप के लिए ताली हो जाए मेरे दोस्त। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपको, है मजा आना चाहिए। सजा महसूस नहीं होनी चाहिए यार, पता नहीं यार ये मैडम ने कहां बैठा दिया है, ऐसा नहीं लग रहा। मजा आना चाहिए किसी भी काम को, अगर आप कर रहे हो ना तो मजे के साथ करें तो फायदा ज्यादा मिलता है। सही कह रहा हूं? तो आज का ये हमारा इवेंट यहीं खत्म होता है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जैसे आप बाहर निकलोगे, एक व्यक्ति जो स्पेशल दिल्ली से आए हैं, सेम शॉप का आई कार्ड, कुछ टाइल है, बैच है, स्पेशल उनको इन्वाइट किया गया कि हम ऐसा इवेंट करा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जाते हैं जहाँ भी सेफ शॉप का कोई इवेंट होता है। और ये व्यक्ति काफी, ये मुझे लगता है मेरे से भी सीनियर है, मुझे 15 साल हो गए हैं, मुझे लगता है ये आदमी मेरे से भी सीनियर है, तो काफी टाइम से है। तो जिसको चाहिए, जो भी चीज चाहिए सेफ शॉप से जुड़ी हुई, तो वो सारी चीजें आपको बाहर अवेलेबल है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।